सरदार शहर नागरिक परिषद दिल्ली के तत्वाधान में श्री लोक रंजन परिषद, ताल ट्रस्ट, प्रेरणा मंच, कर्म भूमि सेवा संस्थान, बाबा रामदेव पैदल यात्री संस्था एवं कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल की ओर से आयोजित होली मायड़ भूमिरी के तहत आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ परिषद के अध्यक्ष एवं युवा उद्योगपति विकास कुमार बालू ने किया। बाबू शोभाचंद जम्मड़ भवन से शुरू हुई शोभा यात्रा रेलवे स्टेशन मोचीवाड़ा, मुणतीकुई, घंटाघर होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर एसडीएम विजेंद्र सिंह, तहसीलदार कमलेश मेहरिया, नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक आदि ने उत्कृष्ट कलाकारों का सम्मान किया। शोभा यात्रा में होलिका की मनोरम झांकी, अनिल सुनील तिलकधारी पार्टी दिल्ली द्वारा बेहद मनोरंजक प्रस्तुति, चक्री नृत्य कोटा, सायरिया नृत्य एवं स्वांग बांसवाड़ा, सांप व डेरू पार्टी गोगा मेडी, बैगपाइप पर बैंड मांगा, ऊँटों पर सवार रणबांकुरे, सजे धजे ऊँट घोड़े, प्रदेश की सुप्रसिद्ध चंग मंडलियों की प्रस्तुतियां एवं स्थानीय होली कलाकारों की ओर से तरह तरह के रोचक स्वांग मुख्य आकर्षण का केंद्र थी। रतनगढ़ शिवाजी सेवा संस्थान द्वारा आज होली की बंदोरी निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः शिवाजी सेवा संस्थान परिसर में पहुंची। बंदोरी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। विचित्र वेशभूषा, अजीबोगरीब सांग, चंग नृत्य, घूमर, डीजे एवं बैंड बाजे की धुन पर युवाओं ने नृत्य किया। बंदोरी में चल रहे विचित्र स्वांग, फाल्गुनी मस्ती में डूबे युवा, बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कुणाल गिरी, सपना चौधरी, बिहार की बीनणी, डबल अर्थी आदि स्वांग आकर्षण के प्रमुख केंद्र रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, पूर्व पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पना कांत, विकास रेणवा आदि उपस्थित रहे। संस्थान की तरफ से आज ये क्या आयोजन है सर? शिवाजी सेवा संस्थान की तरफ हम लोग ही है, ये बनोरी निकालते हैं। ये बहुत ही आनंद का विषय है, सारा नगर इसका इंतजार करता है। आज के दिन से एकदम बहुत ही आनंद का सब्जेक्ट है, उनका त्यौहार है, इसका आनंद है। शिवाजी सेवा संस्थान की तरफ से होली के अवसर पर ये क्या आयोजन है? लगभग 4 तक से निकल रही है बंदोरी, मामूली रूप से निकालना शुरू किया था लोगों ने, वालों से कारण बढ़ता गया और आज इस रूप में आ गई है कि लोगों को बेस्ट रूप से होली महोत्सव लेकर बंदोरी लेकर इंतजार रहता है और विभिन्न स्वागतों में बच्चे, बड़े, बुढ़े सब इसमें रंग में रम जाते हैं और बाजार में पूरा चक्कर लगाते हुए इस बनोरी के प्रति लोगों में किस तरह का उत्साह है? महीने भर से पहले ही बच्चों, युवाओं का और यहाँ तक बुजुर्गों का भी जागृति हो जाती है कि हम भी कैसे लेते हैं, ऐसा रोल है जो आज से सचित रहो और फर्स्ट आए, प्राइज भी देते हैं फर्स्ट हवाले इसमें। जो
चूरू के सुभाष चौक पर आयोजित 43वें फागोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज के मुख्य अतिथि में हुआ। रियाज ने कहा कि लोक संस्कृति के संरक्षण में युवाओं का यह कदम सराहनीय है। परंपराओं को जिंदा रखने से आने वाली पीढ़ियों तक भाईचारे के पैगाम को आगे ले जाया जा सकता है। इस अवसर पर गायक श्याम सुंदर उपाध्याय, अवकाश सैनी, विनी चोटिया आदि ने लोकगीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। देर रात्रि तक चले आयोजन में रसियों ने जमकर लुत्फ उठाया। ये हमारी संस्कृति है और होली की पर्व जो है सब में एक नई उमंग भर देते हैं, रंगों से सरोवर करते हैं। तो ये लोकगीत लोक नृत्य हर किसी को अपनी जो रिजर्व फॉर्म में जो रहते हैं लोग, अपने अंदर सिमट करके सुकड़ करके जो रहते हैं, उनकी जो बचपन बाहर की ओर आते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। सब मिलकर के मनाते हैं, हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति को जीवित रखते हैं लोग इस तरह के पर्व और त्योहार। तारानगर की आजाद डफ मंडली के सदस्यों ने बताया कि ग्राम पंचायत सात्यू में 7वां विशाल फाग महोत्सव 6 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें तारानगर व आसपास के गांवों की डफ मंडलियां प्रतियोगिता में भाग लेगी। प्रतियोगिता में बांसुरी वादन, घोड़ी नृत्य, युगल नृत्य व कालबेलिया नृत्य की प्रतिस्पर्धा होगी, जिसमें स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को उत्कृष्ट इनाम दिया जाएगा। हमारे ग्राम सात्यू में 7वां फागोत्सव मनाया जाएगा और हमारे नजदीक जो भी डफ मंडली है वो सात्यू गांव में 7वां फाग उत्सव पर पहुंचकर शोभा बढ़ाए और आजाद डफ मंडली द्वारा हर टीम को इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद। अपने गांव सात्यू में 7वां फाग उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जितने भी अपने आसपास वाले डफ मंडली वाले सबको पधारना है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, उसमें नागिन नृत्य भी होगा। धन्यवाद। ग्राम पंचायत सात्यू के द्वारा हर वर्ष की भांति 7वां विशाल फाग महोत्सव इस वर्ष भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग है और कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं ने पूरी रणनीति बनाकर और कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से सफल बनाने में और अपनी रणनीति बना ली है। तो हमारा ग्राम पंचायत सात्यू के द्वारा 7वां विशाल फाग महोत्सव आजाद डफ मंडली के द्वारा 6 मार्च को मनाया जाएगा। धन्यवाद। सरदार शहर के स्थानीय तेरापंथ भवन के पीछे सरदार शहर मित्र संघ द्वारा 3 दिवसीय होली स्नेह मिलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संजय मुकुंदगढ़ एंड पार्टी तथा कूर्जा म्यूजिकल ग्रुप ने राजस्थानी लोकगीतों पर शानदार प्रस्तुतियां देकर प्रवासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान युवा उद्योगपति विकास मालू भी कार्यक्रम में पहुंचे और कलाकारों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में देर रात तक चंगों की थाप व राजस्थानी धमाल सुनाई दी। वहीं पुरुष कलाकारों ने मेहरी बनकर नृत्य प्रस्तुत किया। Oh, man.
चूरू के अग्रसेन नगर स्थित सामुदायिक भवन में आज फागोत्सव का शुभारंभ किया गया। अग्रसेन समग्र विकास समिति व अग्रसेन स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय फागोत्सव का शुभारंभ विजय डोभाल ने किया। इस दौरान कलाकारों ने फिजा में धमाल के सुरघोले और राजस्थानी लोकगीतों पर नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में राजेंद्र मुसाफिर, ओम प्रकाश तंवर, रघुवीर स्वामी आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर के उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के सभागार में आज होली उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान संकाय अधिष्ठाता डॉक्टर विदुषी आमेटा ने विद्यार्थियों को संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की बात कही। इतिहास विभागा अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश पारिक ने होली का महत्व बताते हुए स्नेह व सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने के लिए कहा। इस अवसर पर सांस्कृतिक समिति की प्रभारी डॉक्टर कल्पना मौर्य, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सुनील सैनी आदि उपस्थित रहे। सैनी समाज झुंझुनू के तत्वाधान में विशाल जन चेतना महारैली में भाग लेने के समाज के लोग आज चूरू नगर परिषद के आगे से रवाना हुए। समाज के चंद्रमोहन सैनी ने बताया कि शहर से युवा, वरिष्ठ जन व मातृशक्ति मोतीलाल कॉलेज स्टेडियम की ओर हुंकार भरने के लिए आज रवाना हुए। लाखों की उपस्थिति में कल सैनी समाज भावी भविष्य की नई इबारत लिखेगा। समाज की आन बान और शान तथा समाज के मान सम्मान व प्रतिष्ठा के 4 चांद लगाने के लिए समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा। इस दौरान चाणकमल राकसिया, गजानंद गोड़, पीथाराम सैनी आदि मौजूद रहे। सैनी समाज की जन चेतना रैली महारैली हो रही है, इसमें हम सब लोग जो लोग प्रस्थान कर रहे हैं बस द्वारा, 2-3 बसें यहाँ चूरू से जा रही हैं, बाकी छोटे साधन और हैं बहुत से, और इस महा रैली के अंदर हम जाकर के अपनी जन शक्ति का, अपने समाज का अधिक के मतलब महत्व दिखाएंगे और वहाँ इस प्रकार से अपने सैनी समाज को जागृत करने का एक महाकुंभ हो रहा है, इसमें भाग लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम पीथाराम सैनी है। चूरू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तथा कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज चूरू के वार्ड नंबर 16 में पहुंची। शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर ने वार्डवासियों तक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का संदेश पहुंचाते हुए संवाद किया। खोकर ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 4 साल में विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इस दौरान एक से बढ़कर एक योजनाओं की शुरुआत हुई है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे इन योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं और इन योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार करें। इस अवसर पर अभियान के देहात संयोजक आरिफ रिसालदार व शहर संयोजक डॉक्टर प्यारेलाल दानोदिया, सेवा दल के शहर अध्यक्ष मूलचंद जांगिड़, सलीम गौरी आदि मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 16 के अंदर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में शहर अध्यक्ष असलम खोकर के नेतृत्व में आज 16 नंबर वार्ड में हाथ जोड़ो का एक कार्यक्रम किया गया था, जिसके अंदर राजस्थान सरकार की नीतियों जो बजट के अंदर घोषणा की गई है उनके बारे में बताया गया है और राहुल गांधी की 3500 किलोमीटर की जो हाथ जोड़ो की यात्रा थी कन्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसके बारे में बताया गया है कि राहुल गांधी ने भारत को किस तरह से अखंड जोड़ने की कोशिश की है। और वार्ड नंबर 16 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और चूरू विधानसभा क्षेत्र के नेता रफीकी मंडेलिया के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा वार्ड नंबर 16 में पहुंची और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना योजनाओं के बारे में बताया गया और जो बजट घोषित घोषणा हुई उस बजट के बारे में बताया गया और राहुल गांधी जी की जो 3500 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उसके बारे में बताया गया। सरदार शहर के स्थानीय बोड़िया कुआं स्थित खेतरपाल जी भैरू जी मंदिर पर होली के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्य भजन संध्या का आयोजन रखा गया। इस दौरान मंदिर पुजारी गोपाल सैन के सानिध्य में भक्तों ने मंदिर में फूलों व रोशनी से भव्य सजावट की और बाबा की ज्योत लेकर विशेष पूजा अर्चना की। भजन संध्या में बजरंग भंसाली एंड पार्टी व सुप्रसिद्ध भजन गायक मोनिका पारिक ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर भैरू बाबा का गुणगान किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए।
चूरू के निकटवर्ती ग्राम जासासर के रामचंद्र सैनी ने खाटू श्याम जी के 5 किलोमीटर की दंडवत यात्रा की। इस अवसर पर सैनी ने बाबा श्याम से अपनी मनोकामना मांगी। चूरू के पंखा रोड स्थित उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज महिला खिलाड़ी सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित प्रांत प्रचार प्रमुख रामकिशोर कुमावत ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को सर्वेक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता एवं प्रक्रिया सहित ऑनलाइन ऐप में डाटा फीड करने की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर झुंझुनू विभाग संयोजक शरद कुमार शर्मा, चूरू जिला संयोजक नरेंद्र सिंह राठौर, बॉक्सिंग कोच आशा स्वामी आदि उपस्थित रहे। क्रीड़ा भारती चूरू द्वारा आज महिला खिलाड़ियों को, कोच को जयपुर प्रांत के प्रचार प्रमुख रामकिशोर जी भाई साहब द्वारा एक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आगामी समय में महिला खिलाड़ियों के सामने आने वाली समस्याओं का एक सर्वेक्षण किया जाएगा। वह आगे राष्ट्रीय स्तर पर क्रीड़ा भारती को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर आगे आने वाली नीतियां बनेगी। जिन भी महिला खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, वह श्रीमान रामकिशोर जी जो हमारे प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चूरू जयपुर आरओबी के पास एसपी के निर्देशानुसार एमवी एक्ट के तहत सदर थाने की पुलिस ने आज 20 वाहनों के चालान काटे। हेड कांस्टेबल सुभाष ने बताया कि बिना हेलमेट व बिना आरसी के बाइक चलाने, वाहन के काले फिल्म लगाने व सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई कर चालान काटे गए तथा चालकों से समझाइश की गई कि आगे से यातायात नियमों के तहत ही वाहन चलाए ताकि भविष्य में किसी दुर्घटना का कोई शिकार न हो। इस दौरान कांस्टेबल गोपी राम व सरजीत सिंह भी मौजूद रहे। रतनगढ़ में चालक को कार देकर रिश्तेदारों को लाने के लिए भेजी गई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस संबंध में कार के मालिक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पंजाब के मुक्तर साहिब जिला निवासी कृष्णलाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसने अपनी कार ड्राइवर गरदीप सिंह उर्फ जग्गा को देकर जयपुर से रिश्तेदार लाने के लिए भेजा था। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई तथा गरदीप सिंह घायल हो गया, जिसका बीकानेर में उपचार चल रहा है। कृष्णलाल ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि ट्रक के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर कार को टक्कर मारी है। चूरू रामसरा सड़क मार्ग पर आज एक डंपर की पीछे से टक्कर लगने से दो बाइक सवार चोटिल हो गए। वार्ड नंबर 9 के इस्माइल व इमरान किसी से बकाया राशि लेने के लिए बाइक पर सवार होकर चूरू से रामसरा गांव जा रहे थे। इन दोनों के साथ उनके दो साथी भी साथ जा रहे थे, तभी रामसरा गांव की तरफ से एक डंपर बजरी लेकर चूरू की तरफ आ रहा था। रामसरा सड़क की मोड़ पर डंपर की बाइक के पिछले हिस्से से टक्कर लग गई। टक्कर लगने से बाइक सड़क पर गिर गई। सड़क पर गिरने से बाइक सवार दो जने चोटिल हो गए। इस दौरान पीछे से आ रहे उनके साथियों ने उन्हें राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया।